अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बाइक हमारे पास आई है, तो इसका आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे क्या है, किस तरह की है। ये है हीरो, हीरो बाइक बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये इस बाइक को चलाने में जैसे ऐसे लगता है जैसे होंडा बाइक चला रहे हैं, ठीक है। आप इस बाइक के बारे में बताएँगे कि इस बाइक की ये जो तार होती है, मेन टेक्निकल के बारे में बता रहे हैं। आप देख रहे हैं टेक्निकल राउफ चैनल, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो तार है ये करंट की तार होती है। इससे अगर ये तार निकल जाए तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो ये इसका प्लग्स होता है, तो ये अगर लगेगा तो करंट इसका जो है ना इसके अंदर से दाखिल होगा, यू नो करंट। तो इसको हम लगा देते हैं। तो अच्छा, तो ये लग गया है। उसके बाद इसके आपको मैं बताऊं तो इसके ब्रेक की बात करें, इसकी ब्रेक इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त है, और यकीन मैंने ब्रेक बड़ी ज़बरदस्त लगती है। और जब मतलब स्पीड में हो तो ये बात है कि इसका जो व्हील है ये घूमता नहीं है, जैसे 70 का अक्सर व्हील आप देखते हैं स्लिप कर जाता होता है, इसका ये व्हील इस तरह स्लिप नहीं करता। और ये बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में है, ये व्हील कभी मतलब जो है ना स्लिप नहीं करेगा ब्रेक बेशक जितनी स्पीड। उसके बाद इसके पैडल की बात करें तो ये पैडल भी जो VIP किस्म के है, ऑटो है। ऑटो समझते हैं ना, ये पाँव रखोगे तो नीचे होंगे, पाँव छोड़ोगे ऊपर हो जाएंगे। ऑटो पैडल, ये ऑटो पैडल है, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसके बाद एक फिर ये सिलेंसर आ गया। सिलेंसर इसका जो है ना हैवी मोटरसाइकिल का सिलेंसर है। इस सिलेंसर की आवाज़ भी जो है ना भारी भारी सी की तरह की है। और ये देखें, ये सिलेंसर इसका वैसे है अच्छा, भारी मोटरसाइकिल है, सिलेंसर भी इसके लिए अच्छे। बात करते हैं इनके इशारों की, इनके इशारे भी बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत किस्म के, जलते भी हैं तो अच्छे भी हैं माशाल्लाह इशारे इसके। ये इनकी तारें होती हैं इशारों की, दो इधर आती हैं दो उसकी तरफ जाती हैं, तो इसके इशारे जलते कहाँ से आपको बता। ये देख सकते हैं आप इसके सिस्टम, ये हरन है, ये इशारे अगर आप लेफ़्ट चलाओगे इधर कर दोगे, राइट चलाओगे इधर कर दोगे। उसके बाद यहाँ से आप लाइट आगे, ये आगे करोगे लाइट जल जाएगी। इसके मीटर की बात करें तो मीटर इसका थोड़ा सा पुराना है, लेकिन है तो ठीक ही अभी तक। मतलब स्विच इसका लगता है कि चाबी नहीं लगती होगी, लेकिन चाबी लगती है, इस स्विच में नहीं लगती है। स्विच बताता हूँ कौन सा स्विच। अच्छा, तो स्विच ये ऑटो स्विच है इसका, इसमें चाबी लगती है। इसमें ये दो सिस्टम है, इसमें लॉक का सिस्टम भी है और इसमें जो है ना स्विच का भी, दोनों सिस्टम यानी दोनों लॉक इसी स्विच में है। ये स्विच ये 1300-1400 का मिल। स्टैंड की बात करें तो इधर बंदा कुछ चीज़ भी लटका सकते हैं। और इसका नेक्स्ट अभी तक ये व्हील भी अच्छी कंडीशन में है, ये व्हील ज़बरदस्त कंडीशन में सिस्टम इसका व्हील है। ये देखें आप, चलता भी अच्छा। ये इसकी जो है ना लाइट है, इसकी अपनी जो लाइट है ये वाली है, और जो ये हमने लगवाई हुई है खुद अच्छी कंडीशन में है। तो ये लाइट है, इसका हरन भी है इसके पीछे। इस लाइट में 3 से 4 कलर हैं, तो जलते हैं जो ये इसका बटन, ये जो बटन है इस बटन से आगे वाली लाइट जल, बटन से जो है ना ये लाइट जलती है। हरन भी है इसका, ओरिजिनल हरन है। बात करें इसकी टेंकी की, तो इसकी टेंकी जो है ओरिजिनल नहीं है, ये असल में चेंज करवाई थी, तो इसकी पहले लीकेज कर गई थी, इस वजह से टापा इसका, इसके ऊपर कवरिंग चढ़ाई हुई शीट आप देख सकते हैं, जो चमकीली शीट होती है ब्लैक कलर की, वो इसके ऊपर चढ़ाई। और इनकी जो शाखें होती हैं अच्छी किस्म की होती हैं, जो ना आरामदेह लंबे सफ़र के लिए, बेसिकली बंदा जो है ना आराम से सफ़र कर सकते हैं इनकी शाखों पर। इंजन भी इसका है, ये 13 मॉडल है, मॉडल भी 13 है, लेकिन इंजन आप इसका देख सकते हैं बिल्कुल साफ कंडीशन में इसका इंजन है, साफ कंडीशन में समझते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है ये असल में हर मोटरसाइकिल पर ये जंग लग जाता होता है, ये डीजल से बंदा धोए तो ये साफ आई थिंक हो जाता है। तो कारपोरेटर देखें, ये भी थोड़ा सा गंदा हुआ है कारपेटर इसका, लेकिन होता ये भी साफ कंडीशन में है। तो ये इस साइड इसकी चोक, तो ये इसकी चोक है जो मैंने आपको बताई थी उस साइड से,
तो फिर आ जाती है टी, ये पेट्रोल का ऑप्शन होता है, कैसे पेट्रोल को क्या करना है, यहाँ रखेंगे तो बंद हो जाएगा, ऊपर करेंगे ऑन हो जाएगा, नीचे रिजर्व, तो ये हमने बंद कर देना है। ये गियर होता है, इससे इसके चार गियर होते हैं ना, पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चार गियर लगते हैं इसके, बाकी बाइक अच्छी कंडीशन में है ये भी, बाकी लंबे सफ़र के लिए अच्छे सुकूनदेह बाइक होती है, पेट्रोल के लिए बेस्ट बाइक है। बाकी बाइकें आपने देखी होंगी बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाती, आप भी हंस रहे होंगे, खाती है, खाती नहीं होती है, पेट्रोल पीती है। इट्स मीन आप कह रहे होंगे यार कौन सी जबान बोल रहे हैं, हंसी आ रही होगी आपको लेकिन जो समझे आप, बाइक पेट्रोल पीती होती है, इसकी टेंकी में 8 से 10 लीटर पेट्रोल आता है। तो यार आप होंडा 70 में इसमें ले सकते हैं, इसके ये जो टॉप पे होते हैं इसके अंदर बैटरी लगी हुई होती है, यहाँ से इसमें आप देख सकते हैं ये इसका ढक्कन है, ढक्कन, और यहाँ से पेट्रोल पड़ता है, बेचारे की टंकी खाली है, तो ये ढक्कन बंद करने लगे हैं अभी ताकि इसका ये हो जाए, ये हमने बंद कर दिया यार। तो अच्छा गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।